हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यवर ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि भरतिया। लेट अस वी टॉक अबाउट जून 2021 रिलेटेड करंट अफेयर्स। आज हम बात करेंगे जून 2021 से संबंधित सारे करंट अफेयर्स के बारे में। सो गाइस, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स लाइक UPSC, MBBSC, SI, SSC, रेलवे, CGL, SSCGL, CHSL, RRB एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। सो गाइज, नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट 8th of June 2021 रिलेटेड करंट अफेयर्स। आज हम बात करेंगे 8 जून 2021 से संबंधित सारे करंट अफेयर्स के बारे में। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अनुप्रति कोचिंग योजना लॉन्च की है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च अनुप्रति कोचिंग स्कीम? सो आंसर इज स्टेट राजस्थान। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अनुप्रति कोचिंग योजना लॉन्च की है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट राजस्थान इज द पिंक सिटी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज, किस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को दलहन और तिलहन के अधिक उपज वाले बीज प्रदान किए गए हैं? सो अंडर विच प्रोग्राम हाई यील्ड सीड ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स व प्रोवाइडेड टू दी फार्मर्स? सो आंसर इज सीड मिनी किट। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, प्रोग्राम का नाम हमें याद रखना है, सीड मिनी किट के अंतर्गत किसानों को जो है पल्सेस और ऑयल सीड्स के हाई यील्ड सीड्स प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज, भारत 17वें सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में किस स्थान पर रहा है? सो वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग? सो आंसर इज 117th प्लेस। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, 117वें स्थान पर रहा है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज, किसने DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान हेतु आई फेमिलिया वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है? सो विच वो लॉन्च दी आई फेमिलिया ग्लोबल डाटाबेस टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन्स थ्रू DNA? सो आंसर इज इंटरपोल। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, इंटरपोल ने लॉन्च किया है आई फेमिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज, किस रेसर ने बाकू के Formula 1 अजरबैजान ग्रां प्री रेस जीती है? सो विच रेसर वॉन दी Formula 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स रेस इन बाकू? सो आंसर इज सर्जियो पेरेस। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, सर्जियो पेरेस जो कि रेसर है, इन्होंने Formula 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स रेस जीती है जो कि बाकू में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? सो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ प्लांटिंग हाउ मेनी करोड़ सैपलिंग्स इन द ईयर 2021? सो आंसर इज 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश इज लखनऊ एंड CM ऑफ उत्तर प्रदेश इज मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज, PM मोदी ने किस शहर में E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? सो इन विच सिटी डिड PM मोदी स्टार्टेड द E100 प्रोजेक्ट? सो आंसर इज पुणे, महाराष्ट्र में की गई है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, E100 प्रोजेक्ट बाय PM मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज, किस राज्य की पश्चिमी गोदावरी में जगन्नाथ पालावेलुआ AP अमूल परियोजना की शुरुआत की गई है? सो जगन्नाथ पालावेलुआ AP अमूल प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन वेस्ट गोदावरी ऑफ विच स्टेट? सो आंसर इज आंध्र प्रदेश। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, जगन्नाथ पालावेलुआ AP अमूल परियोजना आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी के किनारे की गई है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट आंध्र प्रदेश इज हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज, किस देश ने MV एक्सप्रेस पर्ल जहाज को समुद्री पर्यावरण के लिए खतरा मानते हुए जब्त किया है? सो विच कंट्री हैज सीज्ड द शिप MV एक्सप्रेस पर्ल कंसीडरिंग इट अ थ्रेट टू द मराइन एनवायरमेंट? सो आंसर इज श्रीलंका। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, श्रीलंका ने जब्त किया है MV एक्सप्रेस पर्ल जहाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज, DAC ने कितने करोड़ रुपए में 6 पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी है? सो DAC अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 सबमरीन्स फॉर हाउ मेनी करोड़ रुपीस? सो आंसर इज 43,000 करोड़। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज,
24वां बिम्सटेक दिवस कब मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हेन वाज द 24th बिम्सटेक डे वाज सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 24th ऑफ मे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य में 100 बेड का मोबाइल कोविड केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? सो WHO अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ 100 बेड मोबाइल कोविड सेंटर इन विच स्टेट? सो आंसर इज महाराष्ट्र. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, और महाराष्ट्र में उस्मानाबाद में की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर? इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, रंजीत सिंह दिसाले अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज मई 2021 में GST कलेक्शन कितने करोड़ रहा है? हाउ मेनी करोड़ वाज द GST कलेक्शन इन मई 2021? सो आंसर इज 1.03 लाख करोड़ रुपीस. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है? सो व्हेन वाज वर्ल्ड इंसेक्ट डे वाज सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 6th of June. 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज IKEA ने किस राज्य में अपना मोबाइल शॉपिंग मॉल और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? सो IKEA अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स मोबाइल शॉपिंग मॉल एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन विच स्टेट? सो आंसर इज स्टेट गुजरात. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, एंड कैपिटल ऑफ स्टेट गुजरात इज गांधीनगर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज पाकिस्तान ने चीन देश की मदद से किस नाम में अपनी पहली स्वदेशी COVID-19 वैक्सीन लॉन्च की है? सो पाकिस्तान लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजिनस COVID-19 वैक्सीन विद द हेल्प ऑफ कंट्री चाइना. सो आंसर इज पाक वैक. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, पाकिस्तान वैक्सीन पाक वैक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज भारत ने किस देश के साथ टिकाऊ शहरी विकास के लिए समझौता किया है? सो विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन एन एग्रीमेंट फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट? सो आंसर इज मालदीव्स. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज ASI को किस शहर में त्रिरश्मि बौद्ध गुफा में परिसर में 3 गुफाएं मिली हैं? सो इन विच सिटी ASI फाउंड 3 केव्स इन द प्रीमाइसिस ऑफ त्रिरश्मि बुद्ध केव? सो आंसर इज नासिक. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि नासिक में त्रिरश्मि बुद्ध केव के अंदर 3 केव्स यानी 3 गुफाएं और मिली है ASI को, और नासिक हमें पता है महाराष्ट्र में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य बनाया है? विच कंट्री मेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सन? सो आंसर इज चाइना. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि चाइना ने अपना पहला कृत्रिम सूर्य बनाया है, एंड कैपिटल ऑफ कंट्री चाइना इज बीजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज लक्ष्मी नंदन बोरा का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? लक्ष्मी नंदन बोरा हैज पास्ड अवे. व्हाट वाज ही वाज फेमस? सो ही वाज फेमस नॉवेलिस्ट, वह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे लक्ष्मी नंदन बोरा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सो द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टिमेटेड द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू बी व्हाट परसेंट इन द ईयर 2022? सो आंसर इज 5.7%. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज सामी खेदरी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? सामी खेदरा अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? सो आंसर इज फुटबॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज किसने वर्ष 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? सो हु वॉन द नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द 2021? सो आंसर इज थॉमस विजयन. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, थॉमस विजयन को नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से नवाजा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज CBSE ने किसके सहयोग से स्कूली पाठ्यक्रम में कोडिंग और डाटा साइंस की शुरुआत की है? सो विथ विच कॉपरेशन CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल इंट्रोड्यूस कोडिंग एंड डाटा साइंस इन द स्कूल करिकुलम? सो आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज किस राज्य ने ऊना जिले में अस्थायी COVID-19 अस्पताल स्थापित किया है?
So temporary COVID-19 hospital was established in Una district of which state? So answer is Himachal Pradesh. Important है, हमें याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में टेम्प्ररी COVID-19 हॉस्पिटल बनाया गया है. एंड कैपिटल ऑफ स्टेट हिमाचल प्रदेश इज शिमला. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज, किस देश की महिला धावक सिफान हसन ने 10,000 मीटर की दूरी तय करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सो आंसर इज नीदरलैंड. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, नीदरलैंड की महिला धावक सिफान हसन ने 10,000 मीटर की दूरी तय करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे वाज सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 7th of June, 7 जून को मनाया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई? सो व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2021? सो आंसर इज सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो. आई रिपीट, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड ऑन 7th of June. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज, DCGI ने किस भारतीय कंपनी को स्पुतनिक वैक्सीन बनाने की अनुमति दी है? DCGI अलाउड विच इंडियन कंपनीज टू मैन्युफैक्चर स्पुतनिक वैक्सीन? सो आंसर इज सीरम इंस्टीट्यूट. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट को यह अनुमति दी गई है. और स्पुतनिक, जैसा कि हमें पता है, सबसे पहली रशियन और सबसे पहली कोरोना वायरस वैक्सीन थी जो कि रशिया में बनी थी, स्पुतनिक वी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज, किस खेल से संबंधित फर्नांडो एफ लीमा बेला का निधन हुआ है? सो फर्नांडो एफ लीमा बेला डाइड रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सो आंसर इज सेलर, वह एक नाविक थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 इज, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने ग्लोबल चेस लीग को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन टाइड अप विथ विच कंपनी टू प्रमोट ग्लोबल चेस लीग? सो आंसर इज टेक महिंद्रा. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, ICF ने, इंडिया इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए जो है टेक महिंद्रा के साथ पैचअप किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे, किस देश ने भारतीय कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दी है? सो विच कंट्री हैज़ अप्रूव द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन वैक्सीन्स? सो आंसर इज ब्राज़ील. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, एंड कैपिटल ऑफ कंट्री ब्राज़ील इज कोलंबो. सो आई होप गाइज, आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो हमने बारी बारी से डिस्कस करे हैं. सो आप प्लीज़ इन्हें पढ़िएगा, लिखिएगा और याद करिएगा, और घर पर रहकर अपनी एग्जाम्स की तैयारी कीजिए. स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद आर्यवर्त ट्यूटर्स. आई होप गाइज, आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा. सो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक अवेलेबल हो पाए. और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अब टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं. वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब की लिंक मिल जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, योर सपोर्ट इज़ अवर पावर. फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. स्टे ट्यून्ड विद आर्यवर्त ट्यूटर्स. Thank you.